से बच्चा ऐसा मार को टोपी शूट पे। तो मैं अभी अभी उठा था, अम्मी ने उठाया, अभी नाश्ता वाश्ता करा, उसके बाद अभी हमें याद आया हमारे पास शर्ट नहीं है, तो शर्ट लेने जाना है अमीन के पास। तो अभी अमीन के पास हम जाते हैं, अमीन को हमने रात को ही कह दिया था हमें शर्ट चाहिए भाई, तो वो अभी हमारे को शर्ट देगा, उसके बाद हमें जाना है स्कूल, तैयार वैर होके फिर समझा करो शूट पे यार। तो शर्ट तो हमने ले लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी हमें जाना है यासिन के पास, क्योंकि यासिन ने हमें कॉल करा था, अब वहीं जा रहे हैं, अभी हम गली में हैं, तो वो बैठा हुआ होगा, अभी हम जाते हैं उसके पास। जैसा कि अभी आप जानते हैं, हम जा रहे हैं सफर के पास, जो हमारे स्कूल का दोस्त है जिसके पास कैमरा है, उसको उठाने जा रहे हैं घर से। तो अभी उसके पास जाके हम आपको उसको दिखाते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, अगर सफर के पास तो ये घर से आ रहा है, ये हमारा दोस्त है सफर। तो ये इतने देर से हमारे को टोपिया करा रहा था, अभी ये मिल गया। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चलो अभी कैमरा, कैमरा कहाँ है, कैमरा लेने जाना है। चलो भाई अब कैमरा लेने इसके कजन के पास जाना है, इसके कजन के घर पे कैमरा है। अरे सफर भाई आ गए, कैमरा ले गए। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब ये कैमरा निकाल दे बैग से। ओ भाई कैमरा निकल गया बंदे का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये हमारे साथ बैठे हुए? और अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप पे साकिब भी मिल जाएगा हमारे को वहाँ पर। साकिब के पहले ही निकल गया, तो अभी हम वहीं पहुँच के फिर साथ में इकट्ठे हो जाए। जब हम पहुँच गए पेट्रोल पंप पे, तो ये रहे साकिब भाई हमारे, और ये यासिन है, और ये आसिफ पेट्रोल डलवा रहा है, ये अभी हम जा रहे हैं, और ये जा के हमारे कैमरा में देख दाल कितना साफ हो रहा है। क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, देख दाल कितना। चलो जाके इलाज करो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम आ गए कस्टम हाउस। तो ये कस्टम हाउस आने के बाद ये अभी अपन ये कस्टम हाउस ये शूट के लिए फुल रेडी, और ये सारे लड़के हैं, ये हमारा कैमरा मैन आगे आगे, साकिब भी आगे आगे, यासिफ है, ये यासिन है, यासिफ बच्चा। हाँ भाई साकिब, हाँ भाई, ये हमारा कैमरा मैन कैमरा सेट करते हुए फुल तैयारी पे। ये इधर एक रहे, इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे, गला किसी का से पुसी इसका सूखा ना रहे, किसी ऐरे गैरे को कोई गलत फहमी ना रहे, ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे, ITUS इसकी टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे, हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से, I'd say मेरे में गुरूर नहीं, लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड भी, रैप गेम का आग डिफ्लेट पहुंचे शूट पे, लोड़े सुने मेरे
जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम आए हुए थे कस्टम हाउस, तो हमारा शूट वूट सब हो गया है। अभी हम जा रहे हैं ये कस्टम हाउस के बाहर, अभी फाइनल एक गेट पे शूट करवाएंगे और उसके बाद निकलने ही करेंगे। गेट पे शूट होने के बाद अभी डायरेक्ट दस्ते दस्ते घर। तो अभी बस ये आ रहा है, हमारा कैमरा मैन आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरा कैमरा मैन और साकिब दोनों साथ चल चल के आ रहे हैं। ये सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ू अपने आप से। अभी हमारी शूट एंड हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी अभी आपको शूट की जो पिक है वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। और बाकी ये अभी हम सारे जा रहे हैं, तो ये रहे हमारे कैमरामैन और सारे सब कुछ, ये साकिब भाई और ये यासिन और यासिफ भाई, और बाकी हम अभी निकलने की तैयारी है। अभी हम आए हुए नींबू पानी लेने, तो नींबू पानी पी लीजिए, फिर प्याज व्याज और गर्मी कितनी है, कितना कड़क धूप हो रहा है ये, और कड़क धूप में शूट वूट हुआ है तो अभी फुल गर्मी है। और ये साकिब सफर कैमरा मैन हमारे, और ये आसिफ भाई, और ये यासिर, ये हम लोग जा रहे हैं बस। ये अब हम निकल गए थे, अब ये पैदल जब मजार की तरफ पहुंच गए, ये देख सकते हैं आप, और ये सफर कैमरामैन और साकिब का टायर देखिए कितना चाल मार रहा है, और ये टायर आप देख सकते हैं कितना चाल मार रहा है, टायर साकिब का बहुत चाल मार रहा है। तो हमने कहा एक ही बंदा बिठाओ उस गाड़ी पे, जिससे हम ज़्यादा बंदों को लेके भी नहीं गए, जब हम पूछने वाले पर ज़्यादा दूर गए। मारने का तूने यानी ठकनी है, लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी।